प्रथम लागु दो चरण को धनिये न छोड़ायो खिन लांप तली लालेणिया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नगर खोलो बातु पर ना मालू मेरे को नेत्र मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के जीवन धाम धनी अक्षय तीर्थ के परम लाडले आपके आत्माओं के कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा और इन आत्माओं के मूल तत्व पर आत्मा के चरणों में भी कोट कोट प्रणाम चरण स्पर्श जो धाम धनी के चरणों को घेर कर उनकी ही छत्र छाया में विराजमान है। सुंदर साथ कितनी अद्भुत नूर की बारिश जो हमारे आत्म के ज्ञान चक्षु भी खोलती है और प्रेम चक्षु भी खोलती है। ज्ञान के बिना प्रेम नहीं और प्रेम के बिना ज्ञान नहीं। प्रेम के बिना ज्ञान शुष्क होता है, उसका कोई माने नहीं होता, वो सिर्फ शब्दों तक सिमट के रह जाता है। सोचो कि अगर हम किसी को जोर जोर से चीख चीख कर कहे मैं तुमको प्रेम करता हूं, मैं तुमको प्रेम करता हूं, ऐसे प्रेम का कोई मायने नहीं होगा क्योंकि वो शुष्क है, उसमें आनंद का कोई रस नहीं है। जैसे सुंदर सा एक संतरा होता है ऑरेंज, उसके छिलके को छीले और फांके निकाले तो हर फांक में कई पोर होते हैं और हर पोर के अंदर रस ही रस भरा होता है। सोचो अगर रस ना हो तो उस फल का कोई औचित्य रह जाता है, तो ज्ञान का कोई औचित्य नहीं होता है जब तक उसके अंदर उसके पोर पोर में प्रेम न भरा। धाम धनी ने बड़े प्यार से हमको जो ये श्री कुंजम स्वरूप की वाणी प्रदान की है इसके हर्फ हर्फ में राजी का प्रेम लहराता है। तभी उन्होंने कहा हक बैठे इन इलम में और जिसने इस इलम को लिया तो दिल अर्स हुआ मोमिन। तो राजी इस इल्म के अंदर विराजमान, यानी उनके दिल से निकले हुए हर हर के अंदर आठों सागरों का रस होता है और आठों सागर मिलकर एक स्वरूप होते हैं जो राजी कहलाते हैं, अक्षरा तीत कहलाते हैं, नूर जमाल कहलाते। तो
इसके हर हर्फ में राज्य का स्वरूप बसता है जो आठ सागरों का स्वरूप। हम राज्य को कहीं गलती से आठ सागरों से उनका स्वरूप जुदा तो नहीं समझते। सागर सभी आठों सागर और एक एक सागर के अंदर कई अनंत शोभा के सागर हैं और ये सागर सारे सागर मिलकर एक घनत्व स्वरूप होता है जो पर ब्रह्म कहलाते हैं, अक्षरादीप कहलाते हैं, राज्य कहलाते हैं, मूल स्वरूप कहलाते हैं, वाहिद कहलाते हैं। और उनके दिल से ही ये आठों सागरों की लहरें वाहिद के रूप में लहराती हैं, प्रकट होती हैं। तो वाहिद वो घनत्व स्वरूप है जिसका दूसरा नाम है इश्क, और ये सभी सागर इश्क के रंग से और रस से सराबोर रहते हैं। और जब उसकी लहरें पूरे वेग के साथ परम धाम में अपने नूरी रंगों के साथ प्रकट होती है तो जिमी और आसमान वो नूर के रंग हो जाते हैं जिसके हर लहर में, हर तरंग में धाम धनी के दिल का इश्क लहराता है। तो ऐसे वाहिद की वाहिदत लहरें, वाहिद की जो लहरें हैं उसको वाहिदत कहते हैं। वाहिद और वाहिदत में कोई अंतर नहीं होता, ब्रह्म सृष्टियों और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं होता, परम धाम और धाम धनी में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि सब एक नूर धाम धनी का दिल मूल अद्वैत वाहिद के से बहने वाली लहरे वाहिद। परम धाम में हर स्वरूप वाहिद, जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहिदत माए, जरा एक वाहिदत बिना सो तो कछुए ना है। तो जरा सुंदर सा बड़े प्यार से चलिए हम सब चितवन ले चल, चितवन के द्वारा अपनी आत्म चक्षुओं के द्वारा उस स्वरूप जिसका इल्म के द्वारा वर्णन हुआ है कि उस स्वरूप के अंग अंग में इश्क का सागर लहराता है। अंग देखे जेते सूरत के सो तो सारे इश्क सागर। धाम धनी का जो स्वरूप है वही स्वरूप श्यामा जी का है, वही स्वरूप ब्रह्म सृष्टियों का है, वही स्वरूप परम धाम के 25 पक्षों का है। तभी तो वो वाहिद की लहरें वाहिद। तो जिस प्रकार से वो स्वरूप सूरत जिनके नख से शिख तक अंग अंग संग संग से इश्क की सागर की लहरें बहती, वो इश्क का सागर का ही स्वरूप। तो परम धाम में हर स्वरूप उसी दिल से जो नूर है अनंत गुणों के साथ प्रकट होता है, और उसका रस जो होता है रस आनंद होता है, और रस का घनत्व स्वरूप इश्क होता है। आनंद द्रवीभूत स्वरूप होता है, आनंद प्रेम का स्वरूप होता है, और घनीभूत स्वरूप इश्क होता है, और वो धाम धनी के दिल। तो दिल ही नूर है और दिल ही के अंदर अनंत सागर है, सो धाम धनी का सूरत जो है स्वरूप भी है, वो आठों सागरों का नूरी स्वरूप। इसलिए परम धाम में हर आकार नूर का है और उसके अंदर
इश्क ही लहराता है और इश्क के अंदर सभी सागरों का रस होता है। इसलिए इस सागर को मेहर सागर कह लो, इल्म सागर कह लो, नीर सागर कह लो, नूर सागर कह लो, दधि सागर कह लो, घृत सागर कह लो, जो कहना है शब्द तक सीमित रखना, लेकिन जब शब्दातीत होता है तो वो प्रेम हकीकत और इश्क मार्फत का स्वरूप होता है। और सुत्ता से जब इस इल्म के द्वारा जो वर्णन हुआ, हक इलम से होते है अर्स बका दीदा, जिसने इल्म को अपने दिल में ग्रहण किया उसके दिल में परम धाम का स्वरूप अंकित हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, इस संसार में किसी तन को औकात नहीं है ये कह पाने, ये तो सिर्फ वही तन के द्वारा प्रकट हुआ जिसको हमारे अक्षरातीत प्राणनाथ ने धारण किया, सिर्फ वही तन और उसके अंदर इंद्रावती की आत्मा विराजमान है। महामती का खिताब दिया और उस तन के अंदर आवेश स्वरूप से आज भी विराजमान है आत्मा के अंदर, इंद्रावती के दिल के अंदर। और वो तन आज भी हुक्म का तन, धामधनी के आवेश का तन, सुंदर श्री परनामिनी, सुंदर श्री कुंभ जी की, सुंदर श्री तरहती के मध्य में, बीचों बीच में विराजमान है। मैं पहले भी आपके चरणों में निवेदन कर चुका हूं, दिल बार बार लहराता है उन शब्दों को दोहराने के लिए कि जिस तरीके से परम धाम का केंद्र बिंदु रंग पर वाली मंदिर में दो मंदिर लंबा दो मंदिर चौड़ा के शयन शैया पर जुगल स्वरूप विराजे हैं और उन दोनों के बीच का जो केंद्र का केंद्र का केंद्र है, एक धाम धनी का तन है और एक धाम धनी का दिल है, और दोनों जब एक स्वरूप होते हैं तो वो स्वरूप बिल्कुल मध्य में होता है और उसी मध्य है वो वाहिद है और वहीं से लहरें निकलती मानो फव्वारों के जैसे, नूरी रंग के जैसे, परम धाम के जिमी से लेके अंबर तक वो नूरी फव्वारा प्रकट होता। और सुंदर श्री गुंबद जी जिसके आठ पहल आठ सागर आठ जीवी के स्वरूप है और उसी के भीतरी परिक्रमा, ये गुंबद जी का स्वरूप और उसकी तरहती दिल को प्रकट करता है। तब दिखता है वांगमय स्वरूप बारह थंभों के बीच, और उस वांगमय स्वरूप का जो दिल है जो मानफत है वो चंदन के झूले पर उसी के ठीक नीचे तरहटी में विराजमान है अपने अनंत शोभा के साथ बिल्कुल मध्य में। और मध्य कहते किसको, किसी भी अस्तित्व का जो मध्य बिंदु होता है केंद्र बिंदु होता है वो उसका दिल होता है। सुंदर सार ऐसे मार्फत की वाणी को जब हृदय में ग्रहण करते हैं तो सुरता प्राणनाथ के चरणों में जो इंद्रावती के दिल में विराजमान, इंद्रावती का दिल उनका केंद्र बिंदु और उस केंद्र बिंदु के अंदर अक्षरातीत अपने दिल के साथ विराजमान है जो उनका केंद्र बिंदु, और वो केंद्र बिंदु ही मार्फत है।
अगर ज्ञान को मात्र हकीकत की धरातल पे रख दिया तो आज नहीं तो कल वो शुष्क हो जाता है। लेकिन जब इश्क की लहरें आकर उसको अरस परस स्वरूप दे देती हैं, तब वो खिलता है। ऐसे हक इलम जिसके अंदर आठों सागरों का रस है, इल्म के संग हक इलम से होते है अर्स बका दीदार। तो इस संसार में आत्माओं के पास क्या विकल्प है प्रेम पाने का? इस इल्म से ही पाते हैं। और इल्म को जब सही रूप में अपने दिल में धारण किया तो आठों सागरों की लहरें आती हैं। तो हक इलम से होते है अर्स बका दीदार, यानी इस वाणी के हर्फ में अगर हम अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत मूल जमान पर ब्रह्म के स्वरूप को देख पाते हैं और मानो उनकी मीठी रसना से ऐसा सुंदर वाणी का रस प्रवाहित हो रहा है, तो उस रस के अंदर इश्क का रस पूरी तरह से खुला है। प्रत्यक्ष में इल्म का सागर और अप्रत्यक्ष में इश्क का सागर, और जिसने इस इल्म को ग्रहण किया उसके अंदर स्वतः ही इश्क का रस आ जाता है। इसलिए सभी ब्रह्म सृष्टियों का परम धाम में स्वरूप नूरमयी इश्क का है। नूर कहने का तात्पर्य सब उनके दिल के स्वरूप है, वाहिद की लहरे वाहिद स्वरूप, वाहिद धाम धनी और ब्रह्म सृष्टियां परम धाम के सम वाहिद स्वरूप। और उस वाहिद का स्वरूप जुगल स्वरूप होता है, तन और दिल तो राजी पश्चिम। तो उस इश्क को पाना है तो अपने मूल स्वरूप से अरस परस होना, और ये तो दिल की बात है। लश्कर सारा दिल का सो दिल बरी सब जानो, अपना दिल दे उनका लीजिए इन चरणों को। तो ये सुंदर सार दिल की बात है। न जुबान कह पाती है न मस्तिष्क कह पाता है, इस संसार के कोई शब्द उसका बयान कर सकते हैं, मात्र दिल जहां पे वो स्वरूप बसता है। तभी हक इलम से होते है अर्स बका दीदार, यानी आत्म चक्षु से आत्मा उसका दीदार करके अपने दिल में अंकित। हक इलम से होते है अर्स बका दीदार, पट खोलत सब वार। और इस इल्म से माया का जितना धूल से गर्द से भरा हुआ काला पर्दा हट जाता है, पट खोलत सब वार के, और वो श्वेत स्वरूप सुपेत गुदरी के प्रकट हो जाता है। तो दिल अब नूर का हो जाता है और उस नूर के अंदर सभी रंग के किरणें दिखती हैं और हर किरण में प्रेम ही प्रेम टपकता है। और ऐसे धाम धनी के दिल का ही को अपने ध्यान में रखना सुंदर साथ की परिक्रमा है। इश्क याही धनिये बताया, परिक्रमा ग्रंथ के पहले पद जो इश्क के स्वरूप को धाम धनी ने प
पहले ही बता दी। परिक्रमा ग्रंथ के 42 प्रकरण कदाचित में पहला प्रकरण इष्ट का है और बाद में सभी प्रकरण का आधारशिला है पहला प्रकरण इष्ट, क्योंकि बिना इष्ट के परम धाम की परिक्रमा नहीं की जा सकती, ना हकीकत की न मानती। तो इष्क या ही धनीय बताया, इष्क या ही सृष्टि गाया, इष्क या ही में समाया, इष्क या ही सृष्टि चित लाया। और जिस इश्क का वर्णन अभी हम सब सुन रहे थे वो धाम धनी का आदेश इस संसार में जाहिर कर रहा था। तो ये धनी ने जाहिर किया है कि इश्क का स्वरूप क्या है। इश्क या ही धनी ने बताया, धनी ने बताया कि इश्क का स्वरूप उन्हीं का स्वरूप और परम धाम के सभी स्वरूप उस इश्क के, जिसका मूल और नूर उनका दिल। इश्क या ही धनिये बताया, इश्क या ही सृष्टि गाया। तो जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है, जिसके मूल तन भी इश्क के हैं और उनके प्रतिबिंबित तन के अंदर भी उसी इश्क का अनुभव, जो सुख पर आत्म को सो आत्म ना पहुंचे, जो अनुभव होता है आत्मा सो ना ही जीव को इत। मैंने नहीं कहा ये शब्द, ये धाम धनी के वचन है किरंतन ग्रंथ। तो मूल स्वरूप इश्क का है और लीला उसी इश्क का द्रवीभूत प्रेम की लहर है। इश्क की ही लहर प्रेम है, जैसे वाहिद इश्क है और वाहिद प्रेम की स्वरूप स्वलीला अद्वैत। और आत्मा यहां पर जो उसी पर आत्म उसी वाहिद प्रतिबिंबित स्वरूप है, जिसको हुक्म ने हुक्म से धारण करके इन मानव तनों में विराजमान है, जहां पर यहां के जीव विराजते हैं। तो आत्म की सुरता तो पर आत्म के संग लग जाती है। तो जो सुख सुख लज्जत अरस्तन खेचे, तब क्यों रहे अंतर्मा है। अरस्तन दिल में एक, यानी आत्मा का दिल, वही आत्मा अंकुरी है जिसका दिल हमेशा पर आत्म के दिल में विराजता है। अरस्तन दिल में एक दिल, दिल अंतर पट कछुना है। दोनों दिल में कोई पर्दा नहीं होता, भेद नहीं होता, दिल अंतर पट कछुना है। सुख लज्जत अरस्तन खेचे, तो धाम धनी के स्वरूप का उस वाहिद की लहरों का सब रस ब्रह्म सृष्टियों के दिल में रहता है और उनका दिल का ही प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा का दिल होने से आत्मा के दिल में भी वो रस आ जाता है। तब क्यों रहे अंतर। तो मूल इश्क और उसका प्रतिबिंब इश्क का स्वरूप कोई अंतर नहीं रहता। तो इस इल्म से
दोनों के इश्क स्वरूप अरस परस हो जाते हैं। इश्क याही में समाया परम धाम भी में जो ब्रह्म सृष्टियां हैं वो उनके अंदर ही इश्क बसता है और यहां पर भी वो इश्क की लहरें का अनुभव आत्माओं को हर घड़ी हर पल होता रहता है। इश्क याही सृष्टि चित्त लाया और जो ब्रह्म सृष्टियों के दिल में इश्क का ये स्वरूप आकर बस जाता है। इश्क पिया को बतावे विलास, इश्क ले चले पीयू के पास। ये विलास तो आनंद का स्वरूप है। जब रूहें धाम धनी से प्रेम की लीला में रत रहती है तो उसके रस रूपी आनंद में मगन होती है तो उसको आनंद में डूबने की स्थिति को प्रेम विलास कहते, प्रेम का विलास। इस पिया को बतावे विलास, तो पिया के संग अक्षरातीत के संग ब्रह्म सृष्टियों का जो इश्क का रसपान होता है आनंद वो उनके विलास का स्वरूप होता है। इश्क ले चले पीयू के पास और इश्क ही वो मार्ग है जिससे धाम धनी के स्वरूप को हम अपने दिल में धारण कर सकते। अब कोई सुंदर साथ इस बात से फिक्रमंद ना हुए कि हमें तो वो साक्षात स्वरूप में कब दिखेगी। इसी प्रकार का द्वेष मिहिरराज ठाकुर ने अपने सतगुरु से किया तो सतगुरु अंतर ध्यान भी हुए और विरह की अग्नि में झोंक। ये दिल में सोचना कि जब इंद्रावती जी को दीदार साक्षात मूली स्वरूप परम धाम के स्वरूप श्यामा जी को दी तो हमको क्यों नहीं। कई परम हंस हुए जिनको धाम धनी ने परम धाम का स्वरूप दिया। जुगलदास जी ने, लालदास जी ने देखा, परमहंसों की क्या कहना, उनका तो सौभाग्य वर्णनातीत है। तो हमें स्पर्धा क्यों होती कि हमें धाम धनी साक्षात कब दिखेंगे। क्या हमने वो कसमी की, क्या हम विरह की अग्नि में निरंतर अपने आप को जलाते हैं, पकाते हैं। चावल भी बिना अग्नि के नहीं पकता। अग्नि जब पानी के अंदर उसको गलाता है तब जाके वो भोज्य पदार्थ। अब चावल का एक ढेर पड़ा हो और वहीं बैठे बैठे सोचे मैं खाने योग्य क्यों नहीं हुई, तो सोचता रहे। तो द्वेष कभी ना करना, कभी नहीं, वो बहुत बड़ा गुनाह होगा। उसकी कतार में खड़े रहो,
और धाम धनी के स्वरूप को इल्म के द्वारा जो आपको उपलब्ध हुआ है उस स्वरूप को अपने दिल में धारण किया। दीदार देंगे नहीं देंगे इसकी फिक्र हमें और आपको नहीं करनी। इसके फिक्रमंद कौन होगा? धामधनी खुद। अरे वो तो कह रहे कि मेरे आवेश स्वरूप तो है ना, वो मेरा ही स्वरूप है, उसको अपने दिल में सुप्ता से दीदार। छठे दिन की लीला में वो स्वरूप मेरा स्वरूप और सातवें दिन की लीला में तो मैं तुम्हें साक्षात दीदार। चितवन से अनुभव में लाना है। साक्षात कब होगा वो धाम धनी की मर्जी और उनकी मर्जी पे प्रश्न चिन्ह मत लगाना। प्रश्न चिन्ह लगाया और गुनाह हो जाएगा, जैसे ईसा मसीह के दिल में ये हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे संग, तो धिक्कार मिली। धिक्कार है तुम्हें ईसा, तुम्हारे आज दिन तक का सब किया कराया मिट गया। अब तुम पश्चाताप की अग्नि में जाओ। तब ईसा मसीह को आत्मचक्षु खुले कि वो क्या गुनाह कर बैठे, तो धाम धनी ने रहम किया, मेहरबान तो है। उन्होंने कहा ठीक है, ये तन तो क्रूसीफाई होगा, सूली पे लटकेगा, उसके बाद तुम दोबारा प्रकट होगे। और फिर तुमको वो रस की प्राप्ति होगी। तो सेकंड बर्थ ऑफ क्राइस्ट कहलाता है। अब वो ये चर्चा नहीं है इसलिए उसके अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन इतना याद रखना, ये सिर्फ इसलिए बताया कि उन्होंने धाम धनी की हुक्म की मर्जी की जानने की ख्वाहिश की तो इतना बड़ा गुनाह है। श्यामा जी मांग बैठी कि हमसे जागनी कराओ इसी तन से, 69 पातियां लिखवा दी क्योंकि गुनाह आ गया। धाम धनी क्या चाहते हैं, वो उनकी मर्जी उनकी रजा में राजी रहो। तो इश्क या ही सृष्टि चित्त न्याय, तो धाम धनी उस इश्क को रूहों के दिल में उसका रस इल्म के द्वारा पिलाते रहते हैं। इश्क पिया को बतावे विलास, इश्क ले चले पियू के पास। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इनसो। रब्द रूहों ने अक्सों इश्क का किया जोय, सो इश्क बिना इन अर्श में बैठ ना सके कोई। तो बिना परम धाम में स्वरूप पहुंचे इश्क मिलेगा नहीं। तो इश्क की राह ही यही कि धाम धनी के स्वरूप को वाणी के द्वारा अपने दिल में ग्रहण करके सुरता परम धाम में लगाए रखो, और वो इंद्रावती जी ने खुद करके आपको सिखापन दे दिया। सखी अब हमसे रही हो न जा वही मूल मिलावे बिन,
हृदय चर चर आवही संसार लगन लगे। इसक ब्रह्म सृष्टि जाने, यानी इश्क की पहचान इस ब्रह्मांड में सिर्फ अंकुरियों को ही होगी, क्योंकि उन्हीं का मूल स्वरूप इश्क और नूर का है। इसक ब्रह्म सृष्टि जाने, ब्रह्म सृष्टि यही बात माने, और ब्रह्म सृष्टि इस बात को अपने दिल के अंदर लेकर बैठ जाती है कि यही हमारा सत्य है, यही हमारा परम सत्य है। खास रूहों का यही खान, इन अरवाहों का यही पान, धाम धनी के दिल का दीदार कर, यही उनका भोजन। और इन अरवाहों का यही पान, ये हकीकत और मार्फत के स्वरूप ही उनका खाना पीना। खाना दीदार हक, पानी पीवना दोस्ती हक। तो स्वलीला अद्वैत में प्रेम का स्वरूप और दीदार में इश्क का स्वरूप। तो इश्क मार्फत का स्वरूप है, वाहिद का स्वरूप है, और प्रेम वाहिद के लहरे वाहिद और यही रूहों का खाना पीना है। पिया इश्क रस, ब्रह्म सृष्टि को अरस बरस। और धाम धनी जो इश्क के स्वरूप है और जिनका सानिध्य ही आनंद को प्रवाहित करता है, इश्क का रस ही आनंद होता है। पिया इश्क रस, पिया के इश्क का रस ब्रह्म सृष्टि को उन लहरों से अरस परस कर देता है जो मूल तन है उनके। काहू और न इश्क खोज, औरों जाए न उठाया खोज। और उसकी गरिमा, उसकी महिमा किसी कांधे में ये शक्ति नहीं है इस संसार में, किसी भी सृष्टि में, जो उसके बोझ को, उसके भार को उठा सके। ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही कर सकती है, और ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये बहुत हल्का है। इश्क को कहीं खोजोगे तो गिर पड़ोगे, नहीं मिलेगा, और ब्रह्म सृष्टियों के दिल में खोजोगे तो उसका दीदार होगा, यानी उसकी पहचान होगी। बात इश्क की है अति घन, पर पावे सोई सुहाग। ये बहुत घनी बात है, गुज बात है, रहस्यमयी बात है इश्क की। बात इश्क की है अति घन, पर पावे सोई सुहागिन, जो परम धाम की सुहागिन नार ब्रह्म सृष्टिया है, यहां पर उनको उनके अंकुरियों को मिलता है, उनके प्रतिबिंबित स्वरूप आत्माओं को मिलता है, क्योंकि वही सामर्थ्य रखती है इश्क के रस का बोझ उठाने के लिए, उसका भार।
धनी जी को इस बात इश्क की है अति घन पर पावे सोई सुहागिन ब्रह्म सृष्टि बिना ना पावे सनमंद बिना इश्क ना आवे। तो इश्क ब्रह्म सृष्टि के बिना कोई नहीं पा सकता, ये बात धामधनी ने खूब खुलासा कर दिया। अगर निस्बत है तो आपके अंदर वो ब्रह्म सृष्टियों का, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों का अंकुर है। सुंदर साहब, आज से करीब 25 वर्ष पुरानी बात, हमारे सदगुरु सरकार श्री की अति कृपा बरसती थी हम लोगों की। खुद भी जाते थे पन्ना जी और हम सबको आवाहन देते थे प्रेम से, आ जाओ आ जाओ। और हम लोग खींचे चले जाते थे, ऐसा आकर्षण था उनकी एक आवाज। तो आपने वो गुम्बद जी बंगला साहब का परिसर देखा है, चारों तरफ मंदिर है, मंदिर यानी कब्र, और उसके बाएं कोने पर 12 मासी भोजनशाला है और उसके आगे एक दरवाजा है जिससे जब आगे चलते हैं तो उसके प्रथम भौम पर सेठ जी का बंगला कहलाता है, उसमें हमारे सदगुरु सरकार भी ठहरे हुए। तो अब हर कोई चाहता था कि उनका सानिध्य मिले, उनके मुख से कुछ मीठी मीठी बातें सुने, तो हम भी कैसे पीछे रह सकते थे, हम भी लग लिए कतार में। तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, सरकार अंकुर किसे कहते हैं? सुंदर साहब, उन्होंने सिर्फ एक शब्द में उत्तर दिया, आत्मा। अंकुर यानी आत्मा, मूल यानी परमात्मा, उसका अंकुर आत्मा, बस बता। अब ये अंकुर सबके दिल में और बढ़े ऐसा सदगुरु की कृपा। तो जिसके अंदर वो अंकुर है वो धाम की सुहागिन नार कहला सकती है, और यहां पर उसका स्वरूप जिसके विरह नार है, जिसके अंदर विरह की अग्नि चलती रहती है, धड़कती रहती है, और वो अग्नि ऐसी है कि माया तो उसके आस पास भी नहीं आती, क्योंकि वो जानती है अगर मैं इस अग्नि के आस पास भी चली गई तो मैं जल के खाक हो जाऊंगी, क्योंकि ये आत्माएं तो अग्नि के पाले रहे, इश्क रूपी अग्नि के पाले रहे। बात इश्क की है अति घन पर पावे सोई सुहागिन, वही अंकुर ब्रह्म सृष्टि बिना ना पावे, सनमंद बिना इश्क ना पावे। ये सनमंद निस्बत ही तो अंकुर है, आत्मा को निस्बत ही तो कहलाते, निस्बत ही तो कहते।
से महामत कहे ये मोमिनो एक निस्बत इश्क साथ। तो सन्मद अगर अंकुर है तो इश्क आएगा, अंकुर नहीं तो शब्द ज्ञान तो बहुतों को मिलेगा, पर हादी के कदमों कदम चलना टेढ़ी खीर है सुंदर साथ। लेकिन हिम्मत ना हार लगे रहना, फिर थाम धनी जैसा चाहे वैसा करे। जानो तो राजी रखो, जानो तो धनी, हम हर हाल में आपकी कृपा क्षत्रिय के नीचे में चरणों में है, जैसे चाहो सुख प्रदान करो। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु सुहावे। और धाम धनी उन्हीं अंकुरियों को अपने मेहर के छतरी तले रखते हैं, जिन्होंने इस इश्क की पहचान करके, अपने अंकुर की पहचान करके परम धाम की पहचान कर ली, अपने प्राण प्रीतम अक्षर अतीत की पहचान कर ली। ऐसे अंकुरी को धनी बहुत प्यार करते हैं। धनी जी को इश्क भावे, इश्क इस चौपाई, इस चौपाई के इस चरण में इश्क यानी निस्बत का स्वरूप, ये निस्बत इश्क सागर। तो धनी जी को इश्क भावे यानी धनी जी को जितने निस्बती के स्वरूप हैं उनको बहुत लाड़ करते, बहुत पसंद करते। बिना इश्क ना कछु सुहावे, धाम धनी भी अपनी निस्बतियों के बिना उनको अच्छा नहीं लगता। रूहों में रह न सकूं तुम बिन, रूहे रह न सके मुझ बिन। जब पहचान होवे वाको तब रह सहे न बिछोहा खिन। बस यही तो पहचान है इश्क की निस्बत, निस्बत और इश्क एक स्वर। यो ना कहियो कोई जन धनी पाया इश्क बिन, यानी बिना निस्बत के ब्रह्म को पा लिया ऐसा कोई कहने का गुनाह ना करे। धनी पाया इश्क बिन, बिना इश्क के धनी को पाली। और यहां इश्क के मतलब कहां होती है, जहां निस्बत होती है, निस्बत इश्क साथ। इश्क और निस्बत अरस परस, और इल्म से ही निस्बत का पता चलता है और इल्म से ही इश्क का पता लगता है। पांचवा सागर इश्क, सातवां सागर निस्बत, और उसके बीच में छठा इल्म का सागर। उसने दोनों को जोड़ रखा है, इल्म से निस्बत की पहचान हो गई, इल्म से इश्क की पहचान हो गई, और दोनों अरस परस हो गए। तो बिना अंकुरी, बिना अंकुर के ना इश्क आएगा न धनी आएगा। इश्क बसे पिया के अंग, इश्क रहे पियू के संग, प्रेम बसत पिया के चित, इश्क अखंड हमेशा नित। सुंदर साहब, बड़े प्यार से
इश्क बसे पिया के अंग, धाम धनी के अंग अंग इश्क के सागर, अंग देखे जेते सूरत के सो तो सारे इश्क सागर। तो इश्क बसे पिया के अंग, तो ब्रह्म सृष्टिया क्या है, पिया के अंग। तो इश्क उनके भी अंग अंग में बसता है। परम धाम सुनो, इश्क बसे पिया के अंग, इश्क रहे पियू के संग। ये इश्क किसके स्वरूप हुए, निस्पतियों के, और धाम धनी हमेशा अपनी निस्पतियों के संग ही रहते। श्यामा जी रूहे और धाम धनी हकजार, और तो कोई है नहीं बिना एक हकजार, जात माहे हक वाहे सब वाहिद की लय, जात माहे हक वाहे दत हक आदि गिरो कहला। राजी श्यामा जी अरुण, और सबके दिल के अंदर परम धाम का स्वरूप लहराता है। तो जो निस्बतियां हैं, यानी जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, तो निस्बत और इश्क एक स्वरूप आपने जान लिया। श्री महामत कहे मोमिनों है निस्बत इश्क सागर, यानी निस्बत के स्वरूप ही इश्क के स्वरूप है। उन दोनों में दोनों अरस परस है, बिल्कुल अंतर है। तो इश्क रहे पीयू के संग, तो ये इश्क के स्वरूप निस्बतियां किसके संग, धाम धनी के संग। हकीकत में धाम धनी को घेर के ब्रह्म सृष्टियां हर घड़ी हर पल रहे। वो तो लीला में सुखपाल में ऐसे दिखाते हैं कि हर सुखपाल में तो सके, लेकिन तख्तरवा सब सुखपाल का सम्मिलित स्वरूप है और उसके अंदर सभी है। कोई किसी से एक क्षण के लिए भी जुदा नहीं होता, यही तो निस्बत की खूबी है, गुण है। तो इश्क रहे पीयू के संग, यानी हर निस्बतिया पीयू के संग होती है। होए न बिना निस्बते इत ही हुई वाहिद, जहां निस्बत है वही वाहिद है, और निस्बत के स्वरूप ही वाहिद के स्वरूप। जैसे लहरों का मूल सागर होता है, वाहिद होता है, तो वाहिदत का मूल वाहिद है, लहरों का मूल सागर है। ते होए न बिना निस्बते इत ही हुई वाहिदत, जहां निस्बत है वहां वाहिद, और जहां वाहिदत है वहां निस्बत। तो ये होए न बिना निस्बते इत ही हुई वाहिदत, निस्बत वाहिदत एक है। तो क्यों जिदी कहिए खिलवत, तो फिर खिलवत यानी धाम धनी का दिल श्यामा जी का स्वरूप अपने निस्बतियों से अलग कैसे हो सकते। इश्क बसे पिया के अंग, इश्क रहे पीयू के संग। अब सुंदर साथ चितवन में इसका रस प्राप्त करना है, कतार में खड़े हो जाओ पीते रहो, जो धाम धनी पिलाए पियो और उसी में मग्न। प्रेम बसत पिया के चित्त, तो ये चित्त एक बड़ी सुंदर सी चीज है जो दिल का अंग है। लीला चित्त में समाती है। अक्षर ब्रह्म का
चित्त जिसको सबलिक ब्रह्म कहते हैं, उनके बुद्धि के धरातल पर नित्य वृंदावन का प्रकटीकरण हुआ, जहां पर रास लीला हुई और उसको अक्षर ब्रह्म ने अपने चित्त में अखंड कर लिया सबलिक ब्रह्म। क्यों? क्योंकि हर घड़ी वो उसका रसपान करते रह सकते। इसी तरह से जब सुरता बांधी उसके बाद ब्रज लीला में, तो उसको भी अपने चित्त में अखंड कर लिया और उनका दिल बैठे बैठे उस चित्त में अखंड लीलाओं के स्वरूप का रसपान करते रहे। तो प्रेम वसत पिया के चित्त, तो जो इश्क का द्रवीभूत स्वरूप है वो धामधनी अपने चित्त में बसाए रहते, यानी वहीं से हकीकत का रसपान करते रहते। इश्क अखंड हमेशा नित्य और इश्क उनके दिल में विराजमान, तो इश्क मार्फत स्वरूप है और प्रेम हकीकत स्वरूप। तो सुंदर साथ जी, आज इसी 19 नंबर चौपाई पे धामधनी की कृपा से विराम लेते हैं। इश्क बसे पिया के अंग, इश्क रहे पियू के संग, प्रेम बसत पिया के चित्त, इश्क अखंड हमेशा नित। इसी चौपाई में धामधनी ने मार्फत स्वरूप इश्क का बयान किया और हकीकत स्वरूप प्रेम का बयान किया। अब सुंदर सात वाणी में मंथन करते करते अपनी चितवन धाम में पहुंचाकर सुरता से इश्क और प्रेम मार्फत और हकीकत का रसपान अपने दिल में करते रहे, ऐसी धामधनी का आशीष हो। नाम से सब सुंदर साथ के ऊपर प्रणाम सुंदर साथ।